हेलो बच्चों, आज हम लोग ब्रैग्स लॉ पढ़ेंगे। तो ब्रैग्स लॉ के थ्रू हम लोग किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आखिर इस लॉ तक पहुंचने के लिए किस दौर से गुजरना पड़ा वो हम लोग पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सरे का आविष्कार हुआ। इस लॉ के आने से पहले एक्सरे की आविष्कार हुई थी। तो बच्चों, एक्सरे का आविष्कार साइंटिस्ट रोंटगन 1895 में किया था। ठीक है, जब एक्सरे की डिस्कवरी उन्होंने कर दी, उसके बाद उन्होंने एक्सरे से रिलेटेड दो थ्योरी उन्होंने दिए। वो दो थ्योरी क्या है बच्चों, आइए देख लेते हैं। पहला थ्योरी उन्होंने दिया, एक्सरे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जैसा बिहेव करता है, वो भी बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, और एंड रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी वेव, और वो रिफ्लेक्ट करता है जैसे एक ऑर्डिनरी वेव रिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरी बात बच्चों, दूसरा थ्योरी उन्होंने ये कहा कि एक्सरे आर वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल एंड ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब एक्सरे कि जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो पेनिट्रेटिंग पावर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर कहने का मतलब कि किसी चीज़ के अंदर घुसने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे एक्सरे के थ्रू हम लोग देखते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर क्या कमियां हैं किस चीज़ का। जैसे डॉक्टर हमें बोलते हैं, कुछ बीमारी हो जाती है तो बोलते हैं कि जाओ जाके एक्सरे करा लो, तो वो एक्सरे हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके हमारे बॉडी के अंदर का डिफेक्ट को शो करता है। तो उसी तरह यहाँ भी ये जो दूसरा थ्योरी जो कहता है कि एक्सरे का जो पावर होता है पेनिट्रेटिंग पावर होता है। ठीक है, लेकिन उस समय बच्चों ये दो थ्योरी उन्होंने तो दी थी, लेकिन इसे वो प्रूव नहीं कर पाए थे। तो बाद में इस थ्योरी के ऊपर जब दो साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया, तब ये दो थ्योरी को उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। और वो दो साइंटिस्ट कौन है बच्चों, देखिए, एक साइंटिस्ट विलियम हेनरी ब्रैग और दूसरे साइंटिस्ट विलियम लॉरेंस ब्रैग, जो कि फादर और सन थे। ये फादर और सन, पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर इस थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू किया और वो सफल हुए। इसे मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी उन्होंने इसे प्रूफ करके दिखा दिया। तो जिसके लिए उन्हें दे रिसीव नोबेल प्राइज इन 1915 फॉर देयर सर्विस इन द एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय मीन्स ऑफ एक्सरे। जब उन्होंने इस थ्योरी को एक क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई किया तो वो सफल रहे, जिसके लिए उन्हें 1915 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो देखिए, आखिर ये दोनों जो फादर सन ने क्या किया, इस दो थ्योरी को अप्लाई किया अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने क्या लिया, एक तो एक्सरे ट्यूब, दूसरा एक्सरे को पास कराया जाता है ये दो स्लिट, ये लेड स्लिट है जिसके थ्रू पास होता है एक्सरे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉडी आपको दिख रही है वो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है। इस ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर यहाँ पे एक क्रिस्टल रखा गया है, और जब यहाँ से जब एक्सरे इस क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट कराया जाता है, क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्ड कराया जाता है, तो फिर देखिए क्या होता है। यहाँ पे ये जो आगे भी इस ट्यूब के आगे भी दो स्लिट लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये आयनाइजेशन चेम्बर है। ठीक है, इस आयनाइजेशन चेम्बर में मिथाइल ब्रोमाइड गैस भरे हुए होते हैं। अब देखिए बच्चों कि जैसे ही यहाँ से एक्सरे को इस क्रिस्टल के ऊपर जैसे ही इंसिडेंस कराया गया, तो क्या होता है, जैसे यहाँ से जिस एंगल से वो इंसिडेंस कराया गया, ठीक है, तो उसी एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पे स्लिट लगाया गया है इसलिए कि जो ग्लांसिंग, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल बच्चों। ठीक है, और ये है रिफ्लेक्टिंग एंगल, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिट इसलिए लगाया गया बच्चों कि यहाँ पे उसी
रे को अंदर आने दिया जा रहा है जिसका रिफ्लेक्टिंग एंगल ग्लांसिंग एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो जितनी तेजी से ये, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से इसके अंदर आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर आएगा, उतना ही ज़्यादा मिथाइल ब्रोमाइड टूटेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मिथाइल ब्रोमाइड आयनाइज होगा, आयन के रूप में टूटेगा, उतना ज़्यादा ये गैल्वेनोमीटर करंट शो करेगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके अटैच होगा और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आके अटैच होगा। जितना ज़्यादा आयन्स उतना ज़्यादा हमारा क्या मिलेगा, करंट शो करेगा ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। और एक और बात यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि ये जो क्रिस्टल को अगर हम थीटा एंगल घुमाते हैं, ठीक है, जैसे ये अभी इस तरह से रखा हुआ है मान लो, ठीक है, जब इसको और घुमा दिया जाए, सपोज इसको इस तरह से अब रख दिया जाए, तो मान लो ये थीटा एंगल से घुमाया जाता है, तो ये जो ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर है पूरा का पूरा ट्वाइस ऑफ थीटा ये रोटेट करेगा, ठीक है, जस्ट डबल, ठीक है। अगर ये इसको अलग अलग ग्लांसिंग एंगल पे अगर हम क्रिस्टल का एनालिसिस करेंगे तो हमको अलग अलग पोजीशन पे रखना होगा। जैसे कि अगर इसको क्रिस्टल को अगर हम रोटेट करते हैं थीटा एंगल से मान लो, तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर वो ट्वाइस ऑफ थीटा मतलब उसके जस्ट डबल हमको इसको रोटेट करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसे मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया, एक इक्वेशन दे दिया। तो चलिए वो इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इसे मैथमेटिकली कैसे उन्होंने प्रूव किया। देखिए हमारा एक ये क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों कि हर एक एटम जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस में हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि ये जो है फर्स्ट लेयर जो है, ये जो फर्स्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं, लैटिस लेयर, लैटिस लेयर, ठीक है। और ये जो सेकेंड लैटिस लेयर है और ये थर्ड लैटिस लेयर है, इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो डी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है बच्चों, डी है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि ये जो है पार्टिकल्स जो रेगुलर अरेंजमेंट में होने के कारण ये बिल्कुल एक प्लेन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो प्लेन की तरह बिहेव करते हैं, जब प्लेन में क्या होता है कि जब जैसे ही कोई लाइट को प्लेन के ऊपर इंसिडेंस कराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं बिल्कुल सेम एंगल, जितने इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर को ले लिया है, देखिए ये दूसरी लेयर, क्योंकि ये क्या कहता है कि ये प्लेन की तरह बिहेव करते हैं, तो प्लेन के जैसा हमने बना लिया है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से जब एक्सरे जब आती है ये फर्स्ट लेयर पे, तो ये थीटा एंगल के साथ इंसिडेंस करती है इस फर्स्ट लेयर से, मान लो इस एटम पे जब इंसिडेंट कराया गया एक्सरे को, तो फिर वापस जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये यहाँ पर भी क्या बनाएगी, थीटा एंगल ही बनाती है, ठीक है। तो उसी तरह जब सेकेंड रे, ये फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे, ये जब सेकेंड रे को, सेकेंड एक्सरे को जब यहाँ से क्रिस्टल के ऊपर जब इंसिडेंस कराया जाता है तो वो इस क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और पेनिट्रेट करके जो यहाँ पर जो एटम है उससे टकराकर वापस चला जाता है। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये भी थीटा एंगल होगा, ये भी इक्वल होगा दोनों, ठीक है। तो ये अब ये दोनों रे को आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया दोनों रे, लेकिन सेकेंड रे में क्या होता है बच्चों, सेकेंड रे में क्या होता है कि ये जो सेकेंड रे है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा चलती है, और यहाँ से यहाँ तक जो है फिर वापस सेम हो जाता है दोनों का, ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन ये जो पाथ डिफरेंस हुआ बच्चों, पाथ डिफरेंस जो सेकेंड लेयर का हुआ, पाथ डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, पी ई क्यू, क्योंकि ये जो सेकेंड लेयर जो है, सेकेंड रे जो है वो पी ई क्यू, इतना डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा चलती है, ठीक है। तो यही जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस में क्या होता है बच्चों, या तो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है पी ई क्यू, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, पी ई प्लस ई क्यू, यहाँ से इसको जब ऐड कर देंगे तो पी ई क्यू हो जाएगा डिस्टेंस। तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है बच्चों, और ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, डी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग पी ई और ई क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर बात करना है हमें बच्चों, बी पी ई, बी पी ई, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे हमने इसको जब आगे बढ़ाया तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, और यहाँ से इसे भी ड्रॉ किया तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो ये दो रे क्या होता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यहाँ से इस परपेंडिकुलर के उधर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यही हमको पाथ डिफरेंस हमको निकालना है पी ई और पी क्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एंगल होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री है, हमको एंगल बी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है। तो देखिए एंगल बी फाइंड करने का तरीका, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से तो इतना दूर इतना जो एंगल है थीटा है, तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा कैसे, 90 माइनस थीटा कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों 90 माइनस थीटा। तो अब हमको क्या निकालना है, एंगल बी, एंगल बी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो एंगल बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमको 90 माइनस थीटा मिल गया, तो एंगल बी मिल जाएगा कैसे बच्चों, 90 माइनस थीटा। इस एंगल को 90 में से इस एंगल को घटा देंगे तो हमको बी एंगल का पता चल जाएगा, तो कैसे निकलेगा 90 माइनस 90 माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस इंटू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल बी हमको क्या मिल गया बच्चों, ये थीटा, ठीक है। और ये थीटा मिल गया, यहाँ से देखिए बच्चों ये वाला एंगल भी 90 है, हमको एंगल ई चाहिए, तो एंगल ई कैसे मिलेगा बच्चों, तो देखिए ये एंगल थीटा है तो 90, एंगल ई के लिए क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, तो एंगल ई मिल गया हमको 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोगों को किस ट्रायंगल के ऊपर बात करना है बच्चों, ट्रायंगल बी पी ई में हम लोग देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, बी बी पी ई। तो देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है अपोजिट, ये थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है बच्चों, पी ई, और हाइपोटेनस क्या है, ये बी ई है, और बी ई क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने डी माना, ठीक है, तो डी लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो पी ई की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है बच्चों, डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो डी साइन थीटा मिल गया हमको। तो यहाँ पे एक इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, पी ई की वैल्यू हमको क्या मिल गई, पी ई की वैल्यू हमें मिल जाती है डी साइन थीटा, ठीक है। अब हमें ई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाथ डिफरेंस हमको मिल जाएगा ई क्यू। अब ई क्यू फाइंड करने के लिए देखिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना होगा बच्चों, देखिए ये बी क्यू ई, अब बात करते हैं बच्चों इन ट्रायंगल बी क्यू ई, ठीक, उसी तरह जैसे इस ट्रायंगल में हमने निकाला उसी तरह इसका भी ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ही, ये वाला 90, ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें भी वही होगा, साइन ऑफ थीटा क्या निकालेंगे इन ट्रायंगल में, साइन ऑफ थीटा क्या निकालेंगे, क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपोजिट
अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ठीक है। तो अपोजिट साइड के थीटा के, अब ये थीटा के अपोजिट क्या है बच्चों, ई क्यू बाय, और हाइपोटेनस क्या है, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो एज होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है, और इसका जो डिस्टेंस है बी ई वो क्या है, डी स्मॉल डी ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ई क्यू इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा, ई क्यू इजकल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन ऑफ थीटा ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। ई क्यू की वैल्यू भी हमारी कितनी आ रही है बच्चों, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, टू डी साइन थीटा। अब बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब, जैसे मान लेते हैं कि ये तो लेमडा है ठीक है, वेवलेंथ ये इस तरह से आ रही है ठीक है, कुछ इस तरह से चलते हुए ठीक। फिर वापस जब यहाँ से जब स्टार्ट हुआ बच्चों, तो ये मान लो इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस आया ठीक है। अब ये जो ये भी तो साथ चल रही है, यहाँ तक तो साथ लो भी चली ठीक। अब यही ये जो डिफरेंस है, ये सेकेंड रे का जो डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस, यही बताता है, इसी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो हमारा जो इंटरफेरेंस आएगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू होगा लेमडा इजकल टू टू डी साइन ऑफ थीटा, ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैग इक्वेशन ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है सेम हुआ, अब इस पाथ में जो जो चला ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वापस से जब इसका जो पिक ऊपर है, तो यहाँ से भी इसका भी पिक ऊपर की ओर आ रहा है ठीक है, सेम बिल्कुल एक जैसा, तो वो क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ पहला रे ठीक है, तो दूसरी रे भी क्या होगी, उसी तरह से स्टार्ट हो रही है। देखिए जब इस तरह से स्टार्ट होगा तो वैल्यू जो है इसकी बढ़ जाती है इस तरह से पिक, ये और इसका साइज जो है बड़ा हो जाता है ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। अगर इसी जब इसी के जगह पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो यहाँ पे वैल्यू शो नहीं होती, वो कैंसिल आउट हो जाता, या फिर बहुत मिनिमम होता। जैसे डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जैसे ये इस तरह से पिक है इस तरह से, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जस्ट निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से होती ठीक है, जो कि कैंसिल आउट हो जाती, या फिर बहुत मिनिमम हमको वैल्यू मिलती ठीक है। तो यही था हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो यही था बच्चों फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हो जाएगा एन लेमडा इजकल टू टू डी साइन थीटा, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, जीरो वन टू थ्री सोन इन्फिनिटी तक ठीक है। तो बच्चों इसी वैल्यू से हम ये जो क्रिस्टल के दो लैटिस के बीच का, यानी कि दो लेयर के बीच के डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो डी इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, एन लेमडा बाय टू साइन ऑफ थीटा। इस तरह से हम लोग डी डिस्टेंस, ये दो लेयर का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू ठीक है बच्चों। अगर इसे हम ग्राफ के थ्रू भी अगर हम इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, तो देखिए इसका जो ग्राफ आएगा, जैसे ये मान लो इंटेंसिटी है और ये मान लो एंगल है, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये वाला ये पिक कुछ ऐसा बनता है ये, फिर कुछ देर चला, फिर वापस से इस तरह से ये कुछ इस तरह से आता है ठीक है। ये है मान लो ये एंगल थीटा वन, और ये हो गया ये थीटा टू, और ये हो गया थीटा थ्री वैल्यू ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा ग्राफ के थ्रू हमने इसे समझाने का प्रयास किया, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था,
एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, यही हमारा क्या है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा मिल गया ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय।